पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। धमकी दी थी ना मुझे कि गोद भराई से पहले अगर राव नहीं आए तो तुम खुद ही चली जाओगी। मैंने तुम्हारे बुंदेलखंड जाने का प्रबंध कर दिया। बिना आशीर्वाद लिए ही जाओगी? अब सासू माँ, इतने से थे तुम जब इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से जानती हो तुम्हें। तुम्हारी चाल देखकर पता चल जाता है कि तुम क्या कदम उठाने वाली हो, और मुझे पूरा यकीन था कि ये घातक कदम तुम जरूर उठाओगी। सासू माँ, कुछ घातक नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। इसे इसके पिता की बहुत जरूरत है। उसे उसके पिता की नहीं, माँ की जरूरत है, और माँ को आराम की जरूरत है। ये तुम्हारी पहली संतान है काशी, तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। असावधानी बरती नहीं जा सकती, और पता नहीं इतनी लंबी यात्रा में तुम्हें ठीक तरह से खाना पीना मिले ना मिले, आराम मिले या ना मिले। राव तो मिलेंगे, वो आ जाएगा काशी। मैं समझ सकती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी संतान के प्रति है, और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति। अपना फैसला बदल दो और सोचो, जब बाजी लौट कर आएगा तब तुम्हें और तुम्हारी संतान को स्वस्थ देखकर कितना खुश होगा। बहुत घबराहट हो रही है सासू माँ, समझ नहीं आ रहा था क्या करे तो हमने। तो आ जाने दो उसे, उसकी हर गलती की सजा हम सास बहू मिलकर देंगे। और जब तक बाजी लौट कर नहीं आता, बच्चे का नामकरण नहीं करेंगे, ठीक है कावेरी? आज एक और राज पता चल गया आपका, कि आप रोते भी हैं, आंखें बोझल दी हमारी, पर इतनी भी नहीं कि आपकी आवाज न सुन सके। सही कहा आपने कि हम आप के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे इस मौत की लड़ाई में। आप हमारे लिए लड़ नहीं सकते, इसका कतई अफसोस मत करना। हमने आपकी ताकत या युद्ध कौशलता से नहीं, आपसे मोहब्बत की है, सिर्फ आपसे। एक बात बताइए, अगले जन्म में हमारे बनेंगे ना एक जिंदगी बस मस्तानी के लिए, मस्तानी के साथ बिताएंगे ना? जिंदगी में खुद का नहीं हो सकता मस्तानी, तो तुम्हारा कैसे हो सकता हूँ? बचपन में मेरी शादी हो गई थी, सोच संभाला उसके पहले तलवार थमा दी थी मुझे। जो आई ने समझाया, बाबा ने सिखाया, उसी को अपना कर्तव्य मान लिया। इसका पछतावा नहीं है मुझे, तो वो तो मेरी नियति थी मस्तानी। ये जो जिंदगी में जी रहा हूं, ये सांस में ले रहा हूं, तुम्हारी दी हुई है। मेरे ऊपर आने वाले तीर को तुमने अपने ऊपर ले लिया। ये जिंदगी ये सांस तुम्हारी मुझ पर उतार है, मैं चाहकर भी नहीं लौटा सकता। मेरी इतनी हैसियत है ही नहीं, लेकिन अपने दिल की बात मैं तुमसे कह सकता हूं।
वो शब्द मैं तुमसे कह सकता हूँ जो तुम सुनना चाहती थी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हैं। बड़ी मालकिन, मैं इनके लिए कुछ औषधि लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है ना आप? क्या हुआ अचानक से? पता नहीं सासू माँ, अचानक पेट में दर्द उठ गया। साहूकार की बेटी हो, हिसाब से डर गई? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर सासू माँ हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, हम जानते हैं राहु युद्ध जीत गए, हम खुश भी है, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है हमारा। उनका लश्कर आने से पहले उनका दूत तो आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आया? अब बस कीजिए और इंतजार मत कराइए, आ जाइए अपनी काशी के पास। अभी जान बाकी है, लेकिन और कितना वक्त कह नहीं सकते। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकते हो मस्तानी, तुम्हें लड़ना होगा, मेरे प्यार के लिए लड़ना होगा। दुनिया का कोई भी जहर मैं मात नहीं दे सकता है मस्तानी, तुम्हें हार नहीं माननी है, इस जिंदगी को जीतना है तुम्हें। होगा काशी, कुछ गलत नहीं होगा, बहुत गलत होने वाला है। अब की काशी मन से दुर्बल है ना, अब शरीर से नहीं, मैं आपकी जरूरत है राहू। काशी हमारे राहु आ गए, विजय होकर आ रहे हमारे पास, घोड़े पर सवार होकर चौकट तक पहुंच गए। हम खड़े उनका स्वागत करने, हमारे हाथों में हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को गोद लेने आ रहे। जल्दी बताइए, सबका दिल बैठा जा रहा है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, बार बार बेहोश हो रही है, इसलिए जोर नहीं लगा पा रही है। मतलब इतनी बड़ी बात बोलने से पहले मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। मुझे इसी बात का डर था। क्या बात है? माँ बहुत कमजोर है, शरीर अभी भी प्रसव के लिए तैयार नहीं है, हो सकता है। क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा मतलब कि दोनों में से या तो माँ या बच्चे को ही बचा पाएंगे।
पेशवन भाई और आपके आई साहब के आदेश का पालन हो रहा है। अब मस्तानी भी जीवित है और आपका काम भी हो गया। यहाँ पे बड़ी मालकिन और पेशवन भाई का आदेश था कि आप जिस तरह आए थे उसी तरह आपको ले चलूं। दूतवाग को भी आगे भिजवा दिया है कि पेशवा सरकार आ रहे हैं अकेले। तो बताओ लौटते हुए क्या लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? आप हमारे लिए हमारे पति लेकर आइए, जो आप ले जा रहे हैं सही सलामत हमारे पास। मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हारी मोहब्बत को चुनता हूं। अकेले ही चलूंगा सूर्या जी। जो जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, जो आईने और काशी ने कहा है, उसका पालन जरूर होगा। ये हमारे राव के प्रेम की पहली निशानी है, वचन दीजिए। कुछ नहीं होने देंगे। वचन दीजिए हमें, वचन दीजिए हमें। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। अब मौत भी आए तो भी कोई परवाह नहीं हमें। बस एक बात तो दुख रहेगा कि हमारी संतान को देख नहीं पाएंगे। उनको देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगले चल अभी सही सासुमा, बस इसे बचा लेना। देखना ये अपने पिता से बढ़कर अपनी माँ का होकर रहेगा। आते ही मौत के मुंह से बचाया है तुम्हें। हमारे राव के आने की खबर ने भी सासुमा उनकी कुशलता सुनकर ही सारा दर्द चला गया हमारा। देखिए तो बिल्कुल राहु की तरह दिखता है ना? नहीं तो ये दिखता है अपनी माँ की तरह। देखो तो वो होते तो आ जाएगा बाजी, जल्दी ही आ जाएगा। देखना आते ही अपनी गोदी में उठाकर कितना खुश होगा वो। मैं जानती हूँ काशी तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अपने अब बस खुशियां ही खुशियां। इस परिवार को वारिस किया है तुमने, अब खुशियां देने की मेरी बारी है। अपने बेटे को तुम्हारे आंचल से बांध के रखूंगी। बेटा दे रहे हैं हम उन्हें, अब हमें भी बदले में अनमोल भेंट चाहिए उनसे। खाली हाथ आए ना तो देखिएगा। सासुमा उन्हें तो जरा भी खबर नहीं है इसकी, आएंगे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, है ना? दोपहर में चांद कहां से निकल आया? पुणे, अब से यही हमारा नया पता होगा ना मतंग? मतंग हमारे दिल में ना अजीब सी गुदगुदी हो रही है। जिसे चाहते थे उसी के साथ विदा होकर जा रहे हैं। अब हमारा भी एक परिवार होगा, नए चेहरे, नए रिश्ते, नया घर। हमें तो सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है। दिल को जरा थाम लो मेरी चंदा, अभी तक सिर्फ पेशवा बाजीराव ने तुम्हें अपनाया है, पुणे ने नहीं। तुम्हें सिर्फ बाजीराव जी का प्यार मिला है,
उनके परिवार का नहीं। कमर कस लो मस्तानी, नए संबंध बनाना किसी युद्ध पर जाने से कम नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारी लड़ाई पुणे की लाडली पेशवे काशीबाई से है। कि क्या कह रही हो मतंग? अब जो सुना है वही तो कहूंगी ना बीबी, ये बुंदेलखंड नहीं है, ये पुणे है। यहाँ पर बाजीराव से ज्यादा काशीबाई का बोलबाला है। शनिवार वाड़ा की चौकट शुरू होने से पहले काशीबाई के जयकारे शुरू हो जाते हैं। भाभी क्या सजावट है, एकदम कमाल। जीत का जोश दुगना हो गया। जीत की खुशी दोगुनी है ही, बुंदेलखंड में जीत मिली है और यहाँ बेटा, हो गई ना दुगनी खुशी। पेशवा बाजीराव की जय। पेशवा बाजीराव की जय। पेशवा बाजीराव की जय। किशन भाई, बड़ी मालकिन। सुजय जी, राव, राव कहाँ है? उन्होंने पुणे की सीमा पर तंबू गाड़ रखा है। सीमा पर? लेकिन क्यों? वो आपके साथ वापस घर क्यों नहीं आए? क्या बात है सूर्य जी, पुणे तक आकर सीमा के बाहर तंबू गाड़ रखा है, सफर करने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं बड़ी मालकिन, वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मुझे कुछ और कहने की अनुमति नहीं है। किशन भाई, आपके लिए पत्र है, पेशवा सरकार ने भेजा है, कहा है एकांत में पढ़ने। ये आठ पहर दिखाता है, ये आपका, ये हमारा। इन आठ पहरों में अगर आप एक बार भी हमसे मिलने आ गए तो एहसान रहेगा आपका हम पर। तुम्हारे बाजी को अब इसकी क्या जरूरत है? जाऊंगा उसके पास और सब बता दूंगा, रहूंगा तुम्हें लेने। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे रख लेता हूं। जैसे जैसे ये खत्म होगी रेत, वैसे वैसे हमारे धैर्य का बांध टूटता चला जाएगा। जल्द ही लौटिएगा। वैसे हमने सुना है कि बुंदेलखंड हीरे जवाहरात के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और जानते हैं गंगा हमसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि जब तुम्हारे राहुल लौटेंगे तो तुम्हारे लिए बेशकीमती हीरा लाएंगे। बताइए ना, और कितना इंतजार कराएंगे? वैसे हम आपसे थोड़े नाराज भी हैं हाँ राव, इतनी प्रतीक्षा कराई हमें, इतनी प्रतीक्षा कराई और अब आए हैं, और आए भी हैं तो हमें इतनी दूर बुलाया मिलने के लिए। वही सोच रहे थे कि जरूर कोई बड़ी बात ही होगी। ऐसा क्या है जो सबके सामने नहीं दे सकते, एकांत में देना चाहते हैं? क्या हुआ राव, आप इतने परेशान क्यों हो गए? ये कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी है। आपको क्या लगता है हम कुछ जानते नहीं है? सब पता है हमें। क्या क्या हुआ है राहु, आपको किसकी भूमिका बांध रहे हैं आप? आप तो ऐसे हिचके जा रहे हैं जैसे हीरा नहीं सौतन ले आए हैं अब हमारे लिए।
अब फिर डर गए? हमने आपसे वो सौतन वाली बात कही, आपको छेड़ा तो आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे देवा, माफ कर दीजिए, हमें हम तो बस मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं काशी, ऐसे मत करो। राहु, हम जानते हैं कि हमारे राहु चाहे जहाँ भी जाए इस पवित्र बंधन की मर्यादा को कभी पार नहीं करेंगे, चाहे जितने भी राज्य जीत ले। हमारे राहु का दिल कभी कोई नहीं जीत पाएगा। अरे और आप भी तो कुछ कहने वाले थे, हम तब से बोले जा रहे हैं, बताइए। कैसे बताऊं काशी को मस्तानी के बारे में? मस्तानी, मस्तानी, बीबी, हमारा ना कलेजा मुंह को आ रहा है। कितनी देर होगी बाजीराव जी को गए, अभी तक लौट कर नहीं आया। हाँ अतंग, तुम ना बहुत जल्दी घबरा जाती हो। अरे रहने दो बीबी, तुम्हारे चांद से चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। हाँ तुम भी परेशान हो ना। अच्छा हम एक काम करते हैं, जरा देख कर आते हैं। मतलब नहीं नहीं, क्या है, क्या हुआ? अरे इस सुनसान जगह पर हम दोनों कितनी और देर अकेले रहेंगे? हम न रहने देंगे तुम्हें यहाँ पर, कह देते हैं। हाँ मतलब नहीं। अरे आ रहे हैं अभी। हमारे राहु चाहे जितने राज्य जीत ले, उनका दिल और कोई नहीं जीत सकता। इतनी भी ऊंचाई पर मत बैठाओ काशी, इंसान जितने ऊपर होता है उतने जोरों से गिरता है। अरे गिरे आपके दुश्मन, आप क्यों गिरेंगे? जानते हैं सब आपके बारे में क्या कहते हैं? जग उपजे दो। नहीं नहीं काशी, माफ कर दीजिए हमें। राहु हमें आप जब बुंदेलखंड के लिए निकल रहे थे तब हमें पता चल गया था कि हम गर्भ से, लेकिन हमने वो बात आपसे छुपाई। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने अपने लिए नहीं किया है। हम तो अकेले थे जिन्हें आपकी जरूरत थी, लेकिन वहां बुंदेलखंड में, वहां तो पूरा बुंदेलखंड आपका इंतजार कर रहा था। पूरे बुंदेलखंड को आपकी जरूरत थी, हमसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने सुख से आपको वंचित रखा, आपको बताया नहीं। सबसे पहले अपनी संतान का, अपने बेटे का आप मुंह नहीं देख पाए, माफ कर दीजिए। नहीं काशी, अब मैं क्या ही कहूं तुमसे, तुम मुझसे माफी मांग रही हो, हिम्मत तो मैं क्या माफ करूंगा? तुम्हारा यह त्याग मेरे तमाम युद्धों से बढ़कर है। राज, मेरी गोद में ये जो अनमोल निशानी तुमने दी है, उसका तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता काशी। देखो तो कैसे कसकर मेरी उंगली पकड़ ली है। मैं तलवारबाजी सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज बनाऊंगा, बाजीराव से भी बड़ा योद्धा बनना तुम, ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने राव, बिल्कुल आप ही पर गया है। देखना खिलौनों से पहले तलवार उठाएगा ही। आपको एक बात बताए, हमने एक सपना देखा था जहां आप युद्ध करके लौट रहे हैं, घोड़े से उतर रहे हैं और हमें गले लगा रहे हैं कस के, फिर उसके बाद हम ऐसे ही इसे आपके आपकी गोद में दे रहे हैं।
और फिर आपके कान में हमने जो नाम सोचा है वो कहकर हमारे सपने में ही इसका नामकरण भी कर रहे हैं। तो चलो अपना सपना पूरा करो। तुम्हारी आंखों में जो डर है वो देख सकती हूँ मैं बाजी। कुछ तो बात जरूर है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, काशी मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी, मेरे पोते की माँ है। अगर उसे जरा सी भी ठेस लगी तो देख लेना। बदल तो आप गई है, लेकिन ये बदलाव अच्छा है मेरे लिए। मैं जानना चाहता हूँ काशी ने ऐसा क्या किया जो आप उसे बहू नहीं बेटी मानने लगी। वो तो हमेशा से ही करते आ रही थी, मैं देख नहीं पा रही। पेशवाई को बचाया है उसने बाजी, तुम नहीं समझोगे। पर जिस तरह से बचाया है तब से मेरा मन अपने आप बदल गया, इसलिए फिर से कह रही हूं काशी बहू नहीं बेटी है मेरी। अगर उसके दिल को जरा सी भी चोट पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मस्तानी, मस्तानी बीबी मान भी जाओ, अब अंदर चलो। मौसम के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। आ जाने दो बीबी, लगता है तूफान भी आने वाला है। आ जाने दो। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, इस मौसम में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है, कभी भी कोई शेर या चीता हमला कर सकता है। हम यही रहेंगे जहाँ वो हमें छोड़ कर गए हैं। काशी और तुम सुखी रहो, साथ रहो। तुमने सही कहा था मतम, हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। एक परिवार रहो बच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।